गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 13, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है बेटा? वो पिगमेंट जो थैलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनका काम क्या है? टू कैप्चर सनलाइट, सनलाइट को कैप्चर करने का, और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का. सो हमने क्या पढ़ा था? दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रैनम स्टैक होता है, और इसका ये एक ऊपर वाला कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थैलाकोइड. और इसकी मेम्ब्रेन के अंदर भरे हुए होते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चार टाइप के हैं बेटा. क्लोरोफिल ए जो ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन कलर में होता है, क्लोरोफिल बी जो येल्लो ग्रीन कलर का होता है, कैरोटीनॉइड्स जो येलो ऑरेंज कलर के होंगे, और जेंथोफिल्स जो येलो कलर के होते हैं. सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ पिगमेंट. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लांट सिर्फ एक टाइप के पिगमेंट से काम क्यों नहीं चला रहा, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स क्यों मिल रहे हैं? तो उसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा. तो क्या है बेटा कि जो प्लांट से जो सनलाइट जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक रीजन की वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी वेवलेंथ को नहीं कर पाते. तो वो कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर. ठीक है, ये वो लाइट है जिसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैप्चर कर सकते हैं. कितनी बेटा? 400 to 700 नैनोमीटर. इसको क्या बोलते हैं? पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन. क्या बोलेंगे बेटा? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन. देन आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. क्या आता है बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि कौन सा पिगमेंट कहाँ पे या किस लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है. क्लोरोफिल ए 500 पे कर रहा है, 600 पे कर रहा है, क्या? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है बेटा? इट इज़ अ ग्राफ. क्या है? इट इज़ अ ग्राफ दैट इज शोइंग एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डिफरेंट पिगमेंट, कि अलग अलग पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. दैट इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगी 400 to 700 वाला रीजन वेवलेंथ का. और ये एक्चुअली में क्या है? दिस द विबग्योर. क्या होता है बेटा ये? विबग्योर. तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट पिगमेंट्स. तो सबसे पहले क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए बेटा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है उसकी, एक पीक आएगी यहाँ पे नियर बाय 450 पे, और दूसरी पीक आती है यहाँ पे नियर बाय 680 और 700 के आसपास. सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से क्या है बेटा? हम ये क्लोरोफिल ए को दिखा रहे हैं कि भई ये एब्जॉर्ब इतनी से इतनी वेवलेंथ के बीच में कर रही है. नेक्स्ट ये रेड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोरोफिल बी को. किसको कर रहा है बेटा? क्लोरोफिल बी को. क्लोरोफिल बी की मैक्सिमम पीक 500 पे आएगी और एक 650 के आसपास. देन ये कैरोटीनॉइड्स जो ये लाइट येलो सा दिख रहा है ना आपको, ये कैरोटीनॉइड, इसकी दो पीक आएंगी और वही 500 के आसपास आ रही है. तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. क्या बोलेंगे इसको? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट है बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम. एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक्शन स्पेक्ट्रम हमें रिप्रेजेंट करता है कि किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट में. अब फोटोसिंथेसिस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? ऑक्सीजन के रिलीज को मेजर करके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होती है बेटा. तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होएगी उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस. तो क्या देखा गया कि भाई जो एक तो 400 और 500 के बीच का रीजन था, दैट इज 450, एक तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, और एक 600 to 700 के बीच का रीजन, दैट इज नियर बाय 650 to 680, एक मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो रही है, दो पीक आई. और ये कौन सा रीजन था? एक तो ये ब्लू वाला रीजन था और ये वाला बेटा रेड रीजन. विबग्योर आता है ना ऐसे, तो 450 के आसपास कौन आता है? ब्लू वाली लाइट, और यहाँ पे कौन सा होता है? रेड रीजन. तो एक्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है. एब्जॉर्प्शन तो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट का बताएगा कि कौन कितनी लाइट को कहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है किस वेवलेंथ की. एक्शन ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कौन सी वेवलेंथ पे हो रही है. तो दिस इज द एक्शन स्पेक्ट्रम. देन हम ये पता लगाना चाहते थे बेटा
कि कौन सा पिगमेंट बेस्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है वो कौन है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम को, ये वाला एक्शन स्पेक्ट्रम हो गया, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इकट्ठा करके रख दो। जो इसके नीचे ठीक नीचे आएगा, एक्शन स्पेक्ट्रम के नीचे ठीक किसकी पीक आई बेटा, किसकी आती है, क्लोरोफिल ए की। तो ये ग्राफ हमें प्रूव करता है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटो पिगमेंट है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज क्लोरोफिल ए। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, क्या जो बाकी के पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल पी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल, क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं करवाएंगे, इनका कोई रोल नहीं है? रोल इनका भी है बेटा, ठीक है। इनको बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। क्या बोलेंगे इनको? एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी मीन्स जो हेल्प करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं बेटा लाइट रिएक्शन की बेसिक्स बातें, ठीक है। लाइट रिएक्शन डिटेल में कल पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन के बेसिक्स बता देती हूँ। देखो लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ना है हमने बेटा, कि जनरली जो ग्रैनम वाले पोर्शन में लाइट रिएक्शन होती है। अब ग्रैना में क्या है, ये थैलाकोइड है। थैलाकोइड में सबसे फर्स्ट थिंग क्या होगी, कि यहाँ पे थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटो पिगमेंट्स, और ये फोटो पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे, ठीक है। दे विल एब्जॉर्ब दिस एंड रिलीज एटीपी और एनएडीपीएच। और ये सब किसके हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, मीजोफिल सेल्स। ये मीजोफिल सेल है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और उसके अंदर थैलाकोइड है। अगर मैं एक थैलाकोइड को बाहर निकालूं बेटा, तो थैलाकोइड क्या है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन का बना हुआ है। तो हमें पता है मेम्ब्रेन किससे बनी होती है बेटा, इट्स अ लिपिड बाई लेयर, लिपिड की लेयर से बनी होती है। ऐसे ऐसे हमने नाइन्थ क्लास एट चैप्टर में पढ़ा था ना, तो ऐसे क्या होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक इनकी हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, इस तरह इसके ऐसे रेंज। दो लेयर नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन लिपिड की दो लेयर से मिलकर बनी हुई है। और इन लिपिड की लेयर के बीच में होते हैं फोटो सिस्टम्स, जो एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। अब ये फोटो सिस्टम क्या है, ये फोटो सिस्टम बेटा, लाइक मैंने ये इस फोटो सिस्टम को यहाँ पे निकाल लिया। ये फोटो सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक मेन चीज होती है सेंटर में, दिस वन, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। ये क्या है बेटा, रिएक्शन सेंटर। और इसके चारों तरफ कोई 100-150 मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ये वाले जो साइड वाले हैं, दीज आर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और एंटीने बोलते हैं इनको, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फोटो पिगमेंट होंगे वो होगा क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल। और रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या मिलते हैं बेटा, पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए, मींस रिएक्शन सेंटर के अंदर मेन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए, तो वो तो यहाँ पे मिलेगा। और एक्सेसरी पिगमेंट कहाँ पे मिलेंगे हमें, यहाँ पे। तो कोई भी फोटो सिंथेटिक पिगमेंट करता क्या है, ठीक है, एनी फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, लाइक मैं क्लोरोफिल बी की बात करूँ, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब बेटा क्लोरोफिल बी है तो ये भी ना मैटर, मैटर किसका बना हुआ है, एटम का। और एटम क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बाहर की तरफ, एटम का ये स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, कि दिस इज एन एटम, इसका ये न्यूक्लियस और उसके बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइटेड होके ये ऊपर चले जाएंगे नेक्स्ट ऑर्बिटल में। अब या तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपने उसी स्टेट में आ जाते हैं। और जब ये वापस से आएंगे तो ये क्या करेंगे बेटा, दे विल रिलीज एनर्जी। क्या रिलीज करेंगे वो, एनर्जी। और इस एनर्जी को कोई नेक्स्ट वाला क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल गेन कर लेगा, फिर वो नेक्स्ट को ऐसे ट्रांसफर करते जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल क्या होगा, ये सारी एनर्जी जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब की है, फिर ये किसको ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, दे विल ट्रांसफर इट टू द रिएक्शन सेंटर। तो बेसिकली ये फिनोमिना आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाता है, उससे एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को कौन कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, इन द रिएक्शन सेंटर, जिसकी वजह से क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड। देन ये फोटो सिस्टम बेटा दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम टू और फोटो सिस्टम वन। अब फोटो सिस्टम जो टू है बेटा, कौन, फोटो सिस्टम टू और वन, दोनों के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेम है, दोनों के पास क्लोरोफिल ए है, तो डिफरेंस क्या है, क्यों इनका नाम टू और वन रख दिया।
डिफरेंस ये है बेटा कि क्लोरोफिल ए कि जो एब्जॉर्प्शन पीक है, मतलब जो ये लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, वो 680 नैनोमीटर पे करता है, और ये क्लोरोफिल, ये फोटोसिस्टम 1700 नैनोमीटर पे करता है। इसलिए इसका रिएक्शन सेंटर P680 होता है और इसका P700। तो फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। आई होप आपको ये बेसिक बातें क्लियर हो गई हों कि भाई थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिस्टम प्रेजेंट है। इन फोटोसिस्टम के अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर कौन भरे हुए हैं, फोटो पिगमेंट्स। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में क्लोरोफिल बी, कैरोटिनोइड और जेंथोफिल। दो टाइप के फोटोसिस्टम है, 2 और 1। फोटोसिस्टम 2 680 पे एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिस्टम 1 700 पे करता है। सो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।